दस बूंदे गिरने से पहले कंगुआ को आना होगा। बुलाओ। वो इंडियन हमारी पाकिस्तान की जमीन पे आके क्राइम करता है। एक बात याद रखना, किसी ने भी बंदा सिंह चौधरी से बात की और उसे मदद करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। ₹250 भाई, बहुत ज्यादा ले रहे हो आप। अरे आजकल गैस का भाव इतना बढ़ गया है तो लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ करुणा कौन है? मैं ही करुणा हूँ, क्या बात है बोलिए। हम लोग मदुरई से आए हैं। मदुरई से आ रहे हैं? विजय सर ने भेजा है क्या आपको? हाँ हाँ सर। ए, पारो, क्या है भैया? इन लोगों को विजय सर ने भेजा है, इनकी देखभाल हमें ही करनी है। नीचे आओ। रुको, आती हूँ। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, इनको इनका रूम दिखा दो। ये रहा आप लोगों का घर, आप लोग यही रहेंगे। नहा धो के जल्दी तैयार हो जाओ। जाओ। अच्छा, विजय सर को आप कैसे जानती हो? अरे वो पूछ रहा है ना, विजय सर को आप कैसे जानती हो? रायपुर में एक प्रॉब्लम हो गई थी, तभी पुलिस वालों ने मेरे भाई को पकड़ लिया था। वो पुलिस वाले मेरे भाई को मार देना चाहते थे, तभी मैंने विजय सर से बात की, उन्हें अपने घर के सारे हालात बताए। मेरा भाई एक गुंडा था रायपुर में, उसको देख के सब डरते थे। विजय सर ने मेरे भाई को पूरी तरह बदल दिया। अगर वो नहीं होते तो पुलिस वाले मेरे भाई को मार देते। ये जो गोडाउन आप लोग देख रहे हैं वो विजय सर ने दिया है, मेरे लिए तो वो बड़े भाई जैसे हैं। चलो चलते हैं। आपके भाई नहीं दिख रहे हैं। कुछ सामान लेने गए होंगे, उनका नेचर ही ऐसा है, कुछ काम में उलझ गए होंगे। अभी देखो आप लोगों को यहाँ बुला के कहीं और चले गए। कभी कभी तो मैं भी उनसे नहीं मिल पाती। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। एक मिनट, ये जगह आपके गांव की तरह नहीं है, थोड़ा संभल के रहना। हाँ ठीक है। कब आए? आज सुबह ही आए हैं सर। तुम जहां रहते हो वहां व्यवस्थाएं कम हैं, लेकिन वही सेफ जगह है। हमें किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, काम पूरा होना चाहिए, बस यही सर। तुम्हारी जल्दबाजी समझ में आती है। हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो सुबह से रात तक के बीच खत्म होने वाला मामूली काम नहीं है। कुरुक्षेत्र का लफड़ा, महाभारत का युद्ध, इसमें हमें लड़ना भी है लेकिन दिमाग से। सेना के पास हथियार थे लेकिन कृष्ण के पास दिमाग, इसीलिए वो युद्ध में जीता। उसी तरह हमें भी ये लड़ाई जीतनी है और इसके लिए हमें कुछ त्याग करने पड़ेंगे। मैं जान देने की बात नहीं कर रहा। तुम लोग अपने घर वालों और दोस्तों को छोड़कर आए हो, वो भी एक तरह का त्याग ही है। हम हर चीज के लिए रेडी होकर आए हैं। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अब जो पहला टारगेट है वो है केदार। सर उसका नाम केदार है क्या? वो जिसका नाम केदार है उसके रास्ते में जो भी आता है उसे प्लान करके मार डालता है, इसलिए आज तक कभी उसने मात नहीं खाई। जल्दी उसका काम तमाम करना पड़ेगा। उसका काम तमाम करने से पहले हम उसे ढूंढ तो लें। हम लोग उसे कैसे ढूंढेंगे सर? वो कहां रहता है, किससे मिलता है, ये सब जानना हमारे बस की बात नहीं है। केदार कहां पर रहता है यह सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को पता है। सो उसे अगर बाहर निकालना है तो सिर्फ जेडी ही निकाल सकता है।
कुछ समझे नहीं सर। तो अब हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है प्रेस वालों को उठाना। ठीक 11 बजे उसकी गाड़ी सिटी फ्लाईओवर को क्रॉस करती है। कौन है ये? इतनी रात को रास्ते में सोया है? हेलो, क्या हुआ? ए, चिल्ला मत, ज्यादा चिल्ला मत, गला काट दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते, आओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? फटाफट आओ, चलो चलो, चल, अरे ले चल उसको। चुपचाप बैठ, रुको, चल, चिल्ला मत, छोड़ मुझे। चल ले बाहर आ। ए, नीचे उतर, चल नीचे उतर, चल जल्दी। कौन हो तुम लोग? मुझे किडनैप करके क्यों लाए हो? मेरा और तुम्हारा संबंध क्या है? मैं कौन हूं पता हो तुम्हें? पता है, इसीलिए तो तुम्हें किडनैप किया है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? सुनो, सबसे बड़ा दादा केदार को किन्हीं अनजान व्यक्तियों ने मार दिया है। ये खबर सुबह तेरे पेपर की हेडलाइंस में छपनी चाहिए। hey, मेरा अखबार किसी से नहीं डरता। मेरी फैमिली की आखिरी सांस भी बंद हो जाए फिर भी झूठ नहीं छपेगा। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। सर, अब मैं किसकी आवाज में बात करूं? वो जो प्रेस वाला है ना गुरुमूर्ति, उसकी आवाज में बात करना है। हाँ सर, एक बार और सुना दोगे तो मैं कर दूंगा। हाँ, मेरी बोटी बोटी भी कर दोगे तो भी मैं झूठी खबर नहीं छापूंगा। मैं प्रेस वाला हूँ, किसी से नहीं डरता। मेरी फैमिली की आखिरी सांस भी चली जाए तो भी मैं झूठी खबर नहीं छापूंगा। नमस्कार सर, मैं पत्रकार ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं एडिटर गुरु मूर्ति बोल रहा हूँ। अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखो। बोलिए सर। शहर का सबसे बड़ा दादा केदार, उसकी किसी ने हत्या कर दी। क्या? हाँ बिल्कुल, कल के न्यूज़पेपर में यह खबर टॉप पे होनी चाहिए। ओके सर। सर, एक बार सुनते ही तुमने उसकी आवाज में बात कर ली। थैंक यू सर। एक्सीलेंट। कितने सालों से सिनेमा में? सर, मैं सिनेमा में 30 साल से हूँ। मैंने बहुत सारे एक्टरों की मिमिक्री की है। क्या बात है, मैंने आपके टैलेंट का कोई मिसयूज तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, वैसे भी आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। आप जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। थैंक यू मिस्टर स्माइल। ओके सर। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। यस सर। उसे जहाँ से उठाया है वहीं छोड़ दो। यस सर। बी केयरफुल। ओके सर। उठाओ रे इसको। चल चल चल, मुझे वापस कहाँ उठा रहे हो? चल चल। चल नीचे उतार। हेलो, मैं गुरुमूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। आज के अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है? आपने जो बोला था वही सर, सबसे बड़ा गुंडा केदार किसी अनजान लोगों के हाथों मारा गया। अरे क्या हुआ गुरुमूर्ति, इतनी रात को आए हो? सर, एक बिल्कुल गलत न्यूज अपनी अखबार में छप गई है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई सर। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो तुम? सर मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, ड्यूटी खत्म करके मैं घर जा रहा था, रास्ते में 4 लोगों ने मेरे गले पर चाकू रख के मुझे किडनैप कर लिया और गोडाउन में ले जाकर हेडलाइन छापने के लिए मुझे टॉर्चर किया। मैंने न्यूज छापने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था सर, फिर भी ये खबर छप गई। डैम इट, तुम्हें किडनैप किया, टॉर्चर किया और तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई? किससे पैसे लिए, कितने लिए, किसके लिए कर रहे हो ये काम? बोलो सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, उनका इरादा हमारे न्यूज़पेपर को बदनाम करने का है सर। बिलीव मी सर, मेरा भरोसा कीजिए। कोई आपको अच्छी तरह से जानता है वही ये सब कर रहा है सर, अभी मैं उसको कैसे ढूंढूं?
सर बोलिए सर। तू क्या करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, अभी तू आधे घंटे के अंदर उस केदार को लेकर तू मुझसे मिलने आएगा। सर वो क्या है कि वो ए, उसको क्या जरूरी काम आ गया, मेरा जेडी के साथ जमता नहीं है पता है ना। ए, बड़े लोग हैं तुझे पता है ना, उनका काम है कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। केदार। क्यों सर, बहुत दिनों के बाद बात करने के लिए बुलाए, क्या बात है बोलिए, कुछ भी होगा बोलिए कर दूंगा। गुड। मेरा पेपर पूरे तमिलनाडु में नंबर वन पेपर है, तुम्हें पता है ना। वो क्या है ना, मेरा नाम खराब करने के लिए किसी ने गलत समाचार प्रिंट करने के लिए दे दिया है। कौन है सर बोलिए, मार दूं क्या? अभी उसे ढूंढने से अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होने वाले न्यूज पेपर में छपी हुई खबर को सच करना है। यस, न्यूज क्या है पता है? सबसे बड़ा गुंडा केदार किन्हीं अनजान लोगों के हाथों मारा गया। क्या बोल रहे हैं सर? केदार, मेरा प्रेस कैसे भी पहले नंबर पे ही होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा। सर, 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 गोली मत मारिए सर, गोली मत मारिए। तुझे क्या लगा कि मैं ऐसा बोलूंगा? जेडी, तूने मुझे बुलाया तभी मैं समझ गया था तू कोई गड़बड़ जरूर करेगा। गेम करने वाले के साथ तू गेम करना चाहता है तो मुझे अभी गोली मारेगा, उसके 10 मिनट के अंदर ही तेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, समझ गया ना? तेरे घर के चारों तरफ मैंने बम फिट कर दिया है। क्या केदार, तुझे लगता है ये दिवाली का पटाखा छोड़ने वाली बंदूक है क्या? ऐसी बात करके बच जाएगा। तू ऐसी बात करेगा पता था, इसीलिए मैं तुझे अभी एक सैंपल दिखाता हूं। वन तो, ए, तू मुझे डरा रहा है क्या? तेरी तो जेडी, मुझसे ज्यादा और पेपर से ज्यादा तेरी फैमिली की जरूरत है तुझे, चल जा, 10 मिनट का टाइम है तेरे पास, ला दे दे मुझे। सर हम लोग यहां से निकलते हैं। हाँ? निकलते हैं सर। हाँ। हेलो, तुम्हारे घर पर बॉम्ब था उसे डिफ्यूज कर दिया, फैमिली की चिंता छोड़ो पहले केदार को पकड़ो। अरे सर कौन हो तुम, कौन हो? कौन है सर? हेलो कौन? सर क्या हुआ सर? इसी, तू चल मेरे साथ। आ ए, ए, रुक ए, रुक रे रुक रुक रे ओए रुक रुक जा रुक। ए, 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 हमारा पहला प्लान इतनी आसानी से कामयाब हो गया, इसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें अलर्ट रहना होगा। सर, जेडी के घर पे लगाए हुए बॉम्ब को अगर आप डिफ्यूज नहीं करते तो केदार भाग जाता। जेडी को ऐसा उंगली करके केदार बाहर आएगा, ये आपको कैसे पता था? एक्यूस्ट के बारे में जितना पुलिस जानती है उससे कहीं ज्यादा एक प्रेस वाला जानता है। हमारे केस के हिसाब से जेडी का और केदार का रियल एस्टेट को लेकर झगड़ा चल रहा था। केदार के पहचान के पुलिस वाले और नेता उसे ढूंढने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। जेडी के बारे में सब जानते हैं कि वो अपने दुश्मनों को मिटा देता है। उन दोनों का ये लफड़ा एक बॉम्ब की तरह था, उस पर कोई भी पैर रखता तो फटता, तो हम लोगों ने फोड़ दिया। सर जेडी को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। केदार के बारे में अगर अखबार में न्यूज दी गई तो वो किसी भी तरह पता कर लेगा कि उसके मरने तक हमने उसे फॉलो किया था।
हमें उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी, लेकिन कहीं किसी को हम पर शक न हो जाए इसके लिए छुपकर रहना होगा। दोबारा कब और कहां मिलना है ये मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। मेरे हम उम्र के सभी साथियों के पास एक आशा होती है, एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है। वो हमारे पास भी है। उस दिन जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद समुद्र की लहरों की तरह मेरी जिंदगी भी पलट गई। जब उन दंगाइयों को उनकी करनी की सजा नहीं मिली, आज जिन हाथों को कॉलेज की बुक पकड़नी चाहिए थी, उन हाथों ने आज तलवार और चाकू पकड़ रखे हैं। कुछ दिनों पहले मदुरई में हुए दंगा फसाद में संदेहजनक लोगों को गिरफ्तार किया गया। केदार, पट्टे परमन, हाउसिंग बोर्ड रवि, इन तीनों को ये कोर्ट हमेशा के लिए बाइज्जत बरी करती है। रवि भूषण और आपकी बहुत जमती है, और ये दंगा फसाद आप लोगों ने उनके लिए किए हैं, क्या ये बात सच है? हम तीनों का इतना आगे बढ़ना मेरे मामा रवि भूषण की मेहरबानी है। हम लोग उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस दंगे से मेरे मामा का कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर हम लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? ये कोई उनके ना चाहने वाले पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। सर, मदुरई में हुए ये दंगा फसाद में आप लोगों पर डाला हुआ केस है? भाई, जब मदुरई में दंगा फसाद हुआ था तो मैं मदुरई में नहीं था, चेन्नई में था। इस केस से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। न्याय, सत्य और अहिंसा इसका दूसरा भाग है। मेरे मामा, उनके रहते हुए तो हम लोगों को किसी भी चीज का डर नहीं है। सर, पटाखे फोड़कर खुशी जताने का मतलब बता पाएंगे? हाँ भाई, बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए नहीं, भाई के आदमी कुछ गलत नहीं करते, ये प्रूफ करने के लिए। सर, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इस केस से पूरी तरह बरी हो गए हैं? सर, इस केस में आपकी किसने मदद की? सर, आप लोग पहले रिलीज हो जाओगे, आप लोगों को पता था क्या? चलो चलो, नहीं सर, बहुत हो गया, चलो जाओ यहाँ से, जाओ सर, जाओ। सुनिए, खुश हो ना तुम लोग? हम लोग बहुत खुश हैं भाई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतने बड़े केस से इतनी आसानी से आपने हमें बाहर निकाल दिया। ये रवि भूषण नाम का व्यक्ति कौन है? पूरे स्टेट को बता दिया मामा। ए, चुप कर, ये तो मेरा फर्ज है। तुम सब कौन हो? सब मेरे बच्चे हो। तुम्हें अंदर करके मैं शांति से कैसे रह सकता हूँ? पता है भाई, आप पैसे की वैल्यू नहीं रखते। 10 करोड़ खर्च हुए तो क्या हुआ? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त तुम सब मेरे सामने खड़े हो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपके लिए ये सब किया इसलिए आपको अच्छा लगा मामा? आप सिर्फ हाँ बोल के देखिए, 4 तो क्या, 40 को मार दिखाऊंगा। नाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मामा, आप ऐसा बोल रहे हैं? हम लोगों ने इस बार किस पर हाथ डाला है? कॉलेज स्टूडेंट्स पर। ये ऐसी आग है जो एक बार जलती तो बुझती नहीं। हाँ, अपराधियों को कैद करो, कैद करो। पुलिस वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपराधियों को कैद करो, कैद करो। पुलिस वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोर्ट वालों, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपराधियों को कैद करो, कैद करो। पुलिस वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कौन है रही? मेरा नाम दया है। आप लोग जिस तरह दुखी होकर बैठे हो, ठीक उसी तरह से मेरे अंदर भी दुख भरा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे माँ बाप को मार दिया था। आप लोगों के साथ मैं भी शामिल हूँ। आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, चल। ठीक है भाई, आप क्यों परेशान हो? पर नीचे तो होता है। अरे मैं सब देख लूंगा भाई, मेरा हिस्सा भेज दिया है ना, मैं सब देख लूंगा। अरे बोला ना, परेशान मत हो भाई। हाँ हाँ, ठीक है। कौन हो तुम लोग? हम लोग शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँ? कल कोर्ट में गवाह नहीं है बोल के 3 एक्यूज को छुड़ा दिया ना, उन लोगों को वापस अंदर करो। जिस कोर्ट ने उनको छोड़ा है उस कोर्ट को जाके बोलो। हाल तुम इधर आके कहाँ है मच करने का? हम क्यों और किस लिए उधर जाएं? इस केस की FIR यहीं लिखिए ना, इसलिए यहीं आए हैं। अब तुम्हें जिधर लेकर जाना है उधर लेकर चलो। बकर बकर मत कर रहे, तेरे साथ भी गलत होगा। क्या गलत करोगे? तुम्हें क्या लग रहा है, हम 4 ही लोग हैं? बाहर देख, 4,000 खड़े हैं। ए, डराता है मेरे को? सर, डरा नहीं रहे, वॉर्न कर रहे हैं। ए, तुम लोग स्टूडेंट हो इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो अंदर करके बैंड बजा दूंगा। मेरे को वॉर्न करने आया तू यहाँ पे? सर, शर्ट से अपना हाथ हटा के बात करो। पहले शर्ट से हाथ हटाओ। नहीं हटा तो क्या करेगा? पहले शर्ट से हाथ हटा के बात करो। हाथ हटाओ सर, बोला ना हाथ हटाओ। नहीं हटा तो क्या करेगा रे? नहीं हटाएगा तो हम हटाएंगे। तू हटाएगा तो
इनको एक गिलास पानी में मत देना, तब पता चलेगा पुलिस वाले कौन है। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। क्या हो गया, इमरजेंसी करके आपने फोन किया था, बोलिए क्या बात है। हाँ सर, एक इमरजेंसी थी। मदुराई दंगा फसाद केस में जिन तीन लोगों को जमानत मिली थी वो बाहर निकल गए हैं। उन तीनों को वापस अरेस्ट करने के लिए शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सर, और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसे छोड़िए मैडम, चार दिन वो लोग ऐसे ही करेंगे, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे। नो सर, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ठंडे बैठने वाले हैं। दे आर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जब एक साथ हो जाते हैं ना तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करें? इससे पहले कि वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसके लिए हमारे पास एक हथियार है, हमारे सीनियर कमिश्नर। तो जल्द से जल्द उसे अपॉइंट कीजिए। सर, एक पर्टिकुलर केस के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कोर्ट ने इन अक्यूज्ड को जमानत दी है, तो उसी रूट में हम लोग गए तो गलत हो जाएगा सर। तो दूसरा क्या करने बोल रही हो? वो लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए एक टॉप पुलिस ऑफिसर इस केस को हैंडल करे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप ही चूज कीजिए किसे अपॉइंट करना है। सर, माय सजेशन इज मिस्टर विजय कुमार, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, अभी वो दिल्ली में है। तो पुलिस कमिश्नर को जल्दी बुलाकर उसे सौंप दीजिए। ओके सर, विल डू। आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने वाला पर्सन कोई साधारण इंसान नहीं है। ही इज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड वेरी फोर्थराइट। ही इज वन मैन आर्मी, इन फैक्ट राइटली नेम्ड मिस्टर विजय कुमार। आइए मिस्टर विजय कुमार। मुझ पर इतना भरोसा करके ये केस मुझे हैंडल करने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैडम। वेल, ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता मिस्टर विजय कुमार। प्लीज टेक दिस फाइल, एंड दिस इज मिस्टर आनंद सर, मिस्टर किरण कुमार सर, मिस्टर किशोर सर, एंड मिस्टर जॉन सर। इस केस में यही चार लोग आपकी मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट मिस्टर विजय कुमार। थैंक यू मैडम। हाउसिंग बोर्ड रवि, अच्छा नाम है। तू क्या सोचता है इतने सारे पुलिस वाले यहां क्यों खड़े हैं? ये सब तुझसे पैसे लेने वाली पुलिस नहीं है। तू डराएगा तो ये डरेंगे नहीं, तेरी बात मानने वाले इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। और ऐसा है जो तुझसे रिश्वत खाते हैं, पुलिस स्टेशन में ऐसे दो ही लोग होते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले 20 पुलिस वाले होते हैं। ओके, तो इसका एनकाउंटर कौन करना चाहता है? मैं करूंगा सर। सर मैं करूंगा सर। सर मैं करूंगा सर। सर मैं करूंगा सर। मैं करूंगा सर। मिस्टर विजय, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा मामा कौन है पता है? रवि भूषण। ए, कौन सा रवि भूषण? क्या पागलों की तरह अनाप शनाप बातें कर रहा है? कान के नीचे दूंगा ना एक। कौन है ये रवि भूषण? आसमान से टपका कोई फरिश्ता है क्या? एक एक चाय के लिए भीख मांगता था वो, दो दो पैसे के लिए डराता धमकाता था, बहुत बड़ा आदमी हो गया क्या? ए सुन, इज्जत से कहता हूँ इंक्वायरी में साथ दे दे, तेरे लिए भी अच्छा होगा और तेरे मामा के लिए भी। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैं मेरे लॉयर को बुलाता हूँ, उससे बात कर लेना। तू लॉयर को बुलाएगा? कोर्ट जाएगा और हम तेरे पीछे पीछे घूमते रहेंगे हैं? ओहो, तुम्हें दिया हुआ टाइम तो खत्म हो गया। अब क्या करें? एक काम करते हैं, तू मदुराई क्यों गया था, किस लिए गया था, वहां जाके तूने क्या क्या किया, वो सारी की सारी फुल डिटेल तू मुझे बताएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें एनकाउंटर करके यहीं पर टपका देंगे। हाँ, अब तू ही सोच के बता दे कि हमें क्या करना है। ठीक है, चल बाय।
मेरा नाम हाउसिंग बोर्ड रवि है, रवि भूषण का भांजा। मेरा मामा इलेक्शन में जीते हुए एमएलए को उसने मार दिया, इसलिए पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए। उनको छुड़ाने के लिए और उनका पावर दिखाने के लिए मैं, केदार और परमन, हम तीनों ने मिलकर मदुराई में दंगा मचाया और उस दंगे में बहुत सारे लोग मर गए और एक स्कूल बस को हमने जला दिया। बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ और इस सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम तीनों ने ही प्लान करके वो दंगा मचाया। मुझे यहां देखकर शॉक्ड हो गए। तुम्हारे पास ब्रॉथल का फोन आया था ना? मैंने ही किया था। क्यों सर, जब तुम्हारे पास मिनिस्टर के घर में बंदोबस्त करने के लिए फोन आता है तब तो गायब हो जाते हो, लेकिन ब्रॉथल फोन करता है तो फौरन पहुंच जाते हो। यही टेस्ट करना था, तुम पास हो गए। अब क्यों ना इंक्वायरी चालू की जाए। आपको पता है ना, मदुराई में अभी एक दंगा हुआ था, उस केस के एक्यूज्ड के बारे में आप कुछ जानते हैं सर? जानता हूं सर। वो कैसे रिलीज हुआ? सर शायद आपको पता नहीं है, उस केस के गवाह ही नहीं है। हाँ, कोई गवाह नहीं है, तब तो मदुरई के कोर्ट में उसकी जमानत हो जानी चाहिए थी ना, चेन्नई के कोर्ट में क्यों आए? सर वो क्या है कि मदुरई से केस की फाइल चेंज कैसे की? फाइल मेरे पास थी सर। उन लोगों से तूने कितने पैसे लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ए, मार डालूंगा। इस केस की फाइल में केस नंबर नहीं लिखा हुआ है और उसमें से एक पेपर फाड़ा भी गया है, इसमें तू भी शामिल है। देख, अब भी तेरे पास 24 घंटे हैं, अपना फोन स्विच ऑफ मत करना। यस सर। जब बुलाऊं तब आ जाना, ये ब्रादल के फोन का ड्रामा मैं बार बार नहीं करूंगा। अब जा। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है सर, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म करोगे मैं तुम्हें 5 नहीं 10 करोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। ये आपने क्या कह दिया सर, पूरे शहर में किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको मेरा नाम बता देगा। पूरे शहर में जितने भी छोटे बड़े पुलिस स्टेशन हैं, हर जगह आपको मेरे नाम का केस दर्ज मिलेगा। रवि भूषण का नाम तो आप जानते ही होंगे, उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों मैं ही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी मदुराई में जो दंगा हुआ था ना, वो भाई के लिए हमने ही कराए थे। उसमें मैंने कितनी जाने ली थी पता है? क्या सर, आपको भरोसा नहीं है? आपको भरोसे में लाने के लिए मेरे पास बहुत कहानी है, बताऊं क्या? आपको मैंने इतनी सारी बातें बता दी फिर भी आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ करके ही दिखाना होगा, तभी आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। ठीक है, अभी आपको कोई ना कोई घटना करके दिखाता हूँ, तब आपको पूरी तरह मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा। सर, इसने जो भी बोला रिकॉर्ड कर लिया? यस सर। ए, ये क्या किया? नहीं, 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 रुक रुक रुक, जल्दी क्या है, धोखेबाजी चीटिंग करके जब तू इतना इंटेलिजेंट हो सकता है तो आईपीएस की पढ़ाई करके पुलिस ऑफिसर बनने वाले हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ? और हाँ, क्या कहा था कि हर थाने में तुम्हारे नाम पर केस दर्ज है, ये क्या ग्रीस बुक में दर्ज होने वाला कोई शानदार कारनामा है? तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है तुझे। ए, तो, सर, 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 ए, अभी तुझे कुछ नहीं करूंगा, इंक्वायरी खत्म होने के बाद देखूंगा। कम ऑन, खाओ बेटा, अच्छे से खाओ, ठीक है? क्या हुआ बेटा, तुम भी खाओ। क्या हुआ, तुम भी खाओ ना, क्यों धीरे धीरे खा रही हो? अच्छा खाना है, मजे लेकर खाओ, अच्छे से खाओ, फटाफट खाओ। क्या हुआ? ए, मार दे उसे, सोच क्या रहा है। चल ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, फोन रख। सुनो, बच्चों को अच्छे से खिलाओ, जल्दी खाओ। खा क्यों नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको, तू खा। ए, कहां गई मेरी फैमिली? मुझे क्या पता। तो यहां क्यों बैठा है? ए, मेरी फैमिली कहां गई? मुझे नहीं पता सर। क्या देख रहा था तू? मैंने देखा ही नहीं। जा यहां से। नमस्कार भाई, तुम्हारे मोबाइल फोन के सिग्नल को कट कर दिया गया है, तुम्हारी फैमिली को किडनैप कर लिया। ए, ए, कौन हो तुम? विजय कुमार, सीनियर पुलिस ऑफिसर।
शांति से बैठोगे तो इंक्वायरी यहीं खत्म हो जाएगी। हे, कहाँ है मेरी फैमिली, कहाँ है मेरी फैमिली? कहाँ गए वो लोग? क्या हुआ, 10 मिनट के लिए तेरी फैमिली गायब हुई तो इतना डर लग रहा है? मदुरई के कितने लोगों की जान ली है तूने? कभी सोचा है उनके बीवी बच्चों पर क्या गुजरी होगी? हाथ में चाकू आता ही बहुत बड़ा बन जाता है, घोड़ा दबाया तो भेजा उड़ जाएगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक मिनट में फैमिली रोड पर आ जाएगी। आपके इन्वेस्टिगेशन में मैं साथ दूंगा सर। तुम लोगों के नाम, दंगे के समय तुम्हारे साथ कौन कौन था, तुम लोग कहां से आए हो, जिसने बुलाया उन्हें पहचानते हो, बताओ। ए, कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते, जल्दी बताओ। हम लोग जो बोल रहे वो किसी के सुनने में नहीं आ रहा, तो हम आपके सवाल का जवाब क्यों दे? बहुत बार हम कितने लोगों से बोल चुके हैं। बार बार बोलने के लिए ये कोई स्कूल की पोयम नहीं है, ये हमारी लाइफ है। हमारे 4 साथियों को खोकर बैठे हैं हम। अब हमारे बोलने पर उन 4 को वापस लाओगे क्या? आपके डिपार्टमेंट को नहीं पता क्या दंगा किसने करवाया है और क्यों? हम गवाही देने गए थे तो हमें भी अरेस्ट कर लिया सर। अभी हमारे बोलने पर आप भी वही करने वाले हो, कर लो सर। सर जी, के डिपार्टमेंट से जो नहीं होगा ना वो हम करके दिखाएंगे। चुप रहो, जो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं हो सकता वो तुम लोग करोगे? बहुत बड़े हो गए हो, अभी तुम लोगों ने जो बातें की हैं उनके आधार पर केस बनाकर अंदर कर सकता हूं तुम्हें। लेकिन मैं उन पुलिस ऑफिसर्स में से नहीं हूं जो लोग तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकते। मरने वालों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था और तुम लोगों ने यह सब दोस्ती की खातिर किया है, ये मैं पहले ही पता कर चुका था। तुम्हारे दोस्तों के बारे में भी मैंने पता कर लिया था, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्त समझ सकते हो। अभी मैं तुम लोगों को जेल से बाहर निकालकर इंक्वायरी कर रहा हूं, इस बात को लेकर अपने मन में कोई गलत फहमी मत रखना। चंद करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को देखकर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को गलत समझना अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे भी। इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बताता हूं सर। हम शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं सर। इसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हम घर ही जा रहे थे तभी हम दंगे फसाद में फंस गए। वहां से हम निकल नहीं पाए तभी मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्तों को जिंदा जला दिया, ये सब हुआ था। ये उसकी माँ है जो दंगे में मर गई। ये ऑफिसर यहाँ उस केस की इंक्वायरी के लिए आए हैं। अरे साहब जी, साहब जी मैं क्या करूं? साहब जी एक ही लड़की थी मेरी, मेरी एक ही बेटी थी, पूरी तरह मार दिया उसको। मेरा कोक जल रहा है साहब जी। साहब जी मेरी लड़की तो मर गई, मेरा कोक तो उजड़ गया, लेकिन उसको फांसी जरूर दिलवाई है। जरूर दिलवाऊंगा। मैं बसंती की बहन हूँ, वो हमारे घर की सबसे छोटी बेटी थी, सबके साथ मिलजुल के रहती थी, हम सबके लिए बहुत प्यारी थी, हम सबको पसंद करती थी और हम लोग भी उसे, उसकी वजह से घर में खुशियां ही खुशियां थी। हमें वो नहीं रही तो पूरा घर शमशान हो गया। भगवान। सर मैं गुरु सहाय, शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल। अच्छा सर, आपके कॉलेज में 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई और वो सबके सब गोल्ड मेडलिस्ट थे, आपने इसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया सर? लिया था ना सर, ये देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेंट देनी थी उन सब डिपार्टमेंट्स में दे दी, जिस जिसको दिखाना था सबको दिखा दिया, पर क्या फायदा हुआ सर? हमारे स्टूडेंट्स ने हड़ताल नहीं की होती तो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया होता और ना ही आप यहां आते। आपके बारे में मुझे बहुत जानकारी है सर, हम लोगों के कष्ट का अंत हो जाएगा, उन लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए सर। जहां आप चाहेंगे वहां मैं इंक्वायरी के लिए आऊंगा। आप कितने सालों से मदुरई में इंस्पेक्टर हैं? 10 साल से सर। 10 साल से? जो दंगा हुआ था उस एरिया के इंचार्ज आप ही हैं ना? जी सर। दंगे की जगह और पुलिस स्टेशन के बीच कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर सर। तो सिर्फ 2 किलोमीटर? जी सर। आप कहते हैं सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और फिर भी दंगे की जगह पे कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा? ऐसा नहीं है सर, खबर मिलते ही हम स्पॉट पे पहुंच गए थे सर, हमारे पहले सब खत्म हो चुका था सर, तो इसके लिए हम क्या कर सकते थे?
अब कोई घटना होने वाली है ये बात तो हमें पता नहीं चलती। अब इसके लिए पुलिस वाले काला जादू थोड़े करेंगे सर, डिपार्टमेंट में जादूगर भर्ती करने पड़ेंगे। ए, पहले कैप पहनो। सर, जिस समय दंगा चल रहा था उस समय पुलिस स्टेशन पर 120 कॉल आए थे स्पॉट से, पूरे 120 कॉल आए थे जो तुमने अटेंड नहीं की। जिस समय उन लोगों ने फोन किया था उस समय कितने टेंशन में रहे होंगे। उन्होंने किसी दोस्त को या फैमिली को फोन नहीं किया, पुलिस वालों को फोन किया उन्होंने। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पुलिस उन्हें बचा लेगी। सबका भरोसा तोड़ दिया। तुम लोग ऐसा करोगे तो ये जनता कहां जाएगी? ए सुनो, दंगे के बाद पहले दिन जिन गुंडों को अरेस्ट किया गया था उनकी लिस्ट, और जो गुंडे बाहर से आकर यहां ठहरे थे उनकी भी पूरी लिस्ट, और वो लोग किस किस जगह पर ठहरे थे इसकी भी पूरी डिटेल मुझे चाहिए, वो भी फौरन। सर, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो दंगे में मारे गए लोगों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। आओ आओ विजय कुमार, मुझे पता था कि तुम आज मेरे बारे में इंक्वायरी करने आने वाले हो, इसीलिए मैं कहीं नहीं गया। मेरे बारे में इंक्वायरी तुम जैसा ही कोई कर सकता है। मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि तुमने कई सूरमाओं को धूल चटा दिया। अब तुमने इतना किया तो मेरी हस्ती क्या है इस बारे में तुम्हें जानना चाहिए ना। इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा होकर जीत गया, उसे बीच रास्ते में बोटी बोटी कर दिया। पता है क्यों? मेरा पावर क्या है ये उसे पता नहीं था। तेरे लोगों ने मुझे अरेस्ट किया, इसीलिए अपने आदमियों से मैंने पूरे शहर में दंगा फसाद करवाया। इस दंगे में बहुत से लोग मारे गए मेरी वजह से। एक चीज समझ लो विजय कुमार, इसकी शुरुआत भी मैंने की है और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? मैं तो यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आया ही नहीं था। हा? मतलब तू अपनी पार्टी का है? हा? अरे तो पहले बता देता, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? पहले ही बोल देते तो आप जो अमाउंट देते उसे लेकर जाना पड़ता। हा? लेकिन अब तो पूरे सबूत मेरे पास है, इसलिए जितने चाहूंगा उतने लेकर जाऊंगा। इसीलिए मनी कलेक्शन में तुम मेरे से भी बड़े खिलाड़ी हो। बोलो तुम्हारी डील क्या है? पूरे वंसी। एविरा जाके फटाफट लेके आ भाई, अभी लेकर आ जाएगा। ऊपर वाले से हम डील कर सकते हैं, लेकिन रवि भूषण से डील करना थोड़ा मुश्किल है। उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। अभी तो हम मिले हैं, आगे आगे सब समझ में आ जाएगा भाई। हाँ ये लो। थैंक यू वेरी मच सर, चलता हूं। हाँ भाई, इसने 1 करोड़ मांगे और आपने इतनी आसानी से दे भी दिया। समझ में नहीं आ रहा है ना, कल सुबह का पेपर देखना तब तुझे पता चलेगा। विजय कुमार ने रिश्वत ली भाई। विजय कुमार ने कल आपसे पैसे लिए थे ना, वो आज के पेपर में विस्तार से छपा हुआ है भाई। ए विजय कुमार को फोन लगा। लगाता हूँ भाई, चल जल्दी लगा। बोलो रवि भूषण। विजय कुमार, पेपर देखा क्या? रवि भूषण से रिश्वत खाई इंक्वायरी कमिश्नर विजय कुमार ने। पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा कारनामा आ गया ना। रवि भूषण से दुश्मनी पालना कितना महंगा पड़ सकता है, आखिरकार समझ में आ गया ना। रवि भूषण, तू बार बार अपने बेवकूफ होने के सबूत दे रहा है। जब तुझ जैसा अनपढ़ इतना सोच सकता है तो सोचो कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा कितना सोचेगा। वैसे तो एकाध पढ़े लिखे को साथ में रख ले, मुझ जैसे दुश्मन से निपटने के लिए कम से कम कुछ तो कर पाता। ए, उस न्यूज में जो बॉडी है वो तेरी है और उसके अंदर जो दिमाग है वो मेरा है। अच्छी तरह से पढ़ के देख। ए वीरा, जरा फिर से पढ़। जी जी भाई। मदुरई शहर में जो दंगा हुआ उसमें मारे गए सभी लोगों की मदद करने के लिए विजय कुमार सामने आया। अगर पॉलिटिशियन के हाथों पैसे भिजवाते तो वो दंगा पीड़ितों में से किसी को नहीं मिल पाते, इसीलिए विजय कुमार ने ये काम अपने हाथों में लेकर कमिश्नर की मदद से दंगा पीड़ितों की सहायता करने के लिए आगे आए, यही लिखा है भाई। मिनिस्टर को फोन लगा। लीजिए भाई। हेलो। हाँ भाई, बोलिए भाई। अरे वो विजय कुमार हम सबके पीछे पड़ा हुआ है, हम सब अंदर हो जाएंगे तब तेरे कान में जूरेगी कि क्या? अरे लानत है तुझ पर। भाई खत्म कर दो, इस केस का कोई गवाह नहीं है, ऐसा कोर्ट में बोलकर केस को खत्म कर दो। मेरी बात को समझ रहे हो ना, ये स्टूडेंट्स की परेशानी से मैंने इंक्वायरी कमिश्नर अपॉइंट किया। ये सब तो मुझे करना ही पड़ता था भाई, तुम समझ सकते हो। अभी तू क्या करेगा कैसे करेगा,
मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस इंक्वायरी क्लोज होनी चाहिए। आओ विजय कुमार। क्या बात है सर, आपने इतना अर्जेंट बुलाया? मैंने जो मदुरई के दंगा फसाद की इंक्वायरी के लिए बोला था उसे बंद कर दो। अरे रे रे, उसे तो मैंने खत्म कर दिया सर। खत्म कर दिया? जैसे बच्चे होमवर्क खत्म कर देते हैं वैसे ही तू आके मुझे बता रहा है। अरे भाई, ये इंक्वायरी कमीशन है, जब तक ये लोग सत्ता में है तब तक इन लोगों के किए हुए कारनामे सारे लोगों के दिमाग में है। पर तूने क्या यार, चार ही दिन में खत्म कर दिया? बस कर, अब खत्म कर दो। ये स्टूडेंट्स का मामला है सर, उन लोगों ने हड़ताल की तभी इंक्वायरी शुरू हुई थी। अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। क्या विजय कुमार, समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? इंक्वायरी को खत्म करने की बात सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम है। डेली तुम मीडिया के सामने आकर बोलना कि अभी तक इंक्वायरी चालू है, और तुम भी बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हो। यह मैं मीडिया को बता देता हूँ। कौन सा इंक्वायरी कमीशन अच्छे से चल रहा है, ऐसी कोई हिस्ट्री है क्या? बोलो तुम। जो नहीं चल रहा है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। पॉलिटिक्स से इंक्वायरी कमीशन का संबंध क्यों है पता है? कमीशन करके एक शब्द है, इसीलिए समझ जाओ। सर, आपके जैसे कई अवसरवादी पॉलिटिशियंस हैं, और ये विजय कुमार क्या चीज है ये उन्हें भी पता है और पब्लिक को भी। आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि जांच अभी चल रही है, लेकिन मैंने इंक्वायरी खत्म कर ली है, ये बात सभी को पता है सर। विजय कुमार, आप कुछ ज्यादा ही गर्म हो। केवल 6 महीने के लिए ऊटी या हिल स्टेशन पर जाकर ठंडे हो जाइए, ठंडा होकर आइए, उसके बाद अपना इंक्वायरी चालू कर लो। सही सोचा है सर, बहुत बढ़िया सोचा। बट सॉरी सर, इंक्वायरी के नाम पर यहां वहां घूमते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता सर। चलता हूं सर। मेरी मंत्री पद की बैंड बजा देगा। बोलो रविभूषण। क्या हुआ विजय कुमार? होटल में जाकर फैमिली को किडनैप करना, पेपर में न्यूज चेंज करना, इंक्वायरी छोड़कर आजकल इन्हीं सब में बिजी है तू? मिनिस्टर के फोन के बाद तेरी ऑफिसर गिरी कहां चली गई? ए, मेरा नाम विजय कुमार है। 6 दिन, 148 घंटे और 2500 किलोमीटर घूमने के बाद 76 गवाहों से पूछकर मैंने एक फाइल तैयार की। इतना नादान नहीं हूं कि उसे मिनिस्टर के हाथ में दे दूंगा। मैं वन मैन आर्मी हूं। मेरे घर के सिस्टम से लेकर पेन ड्राइव तक, ऑफिस के हार्ड ड्राइव तक में जहां भी देखेगा तेरी न्यूज ही मिलेगी। बस एक फोन कॉल करने पर मीडिया और पूरे तमिलनाडु के प्रेस में जिस जगह पर बोलूंगा वो न्यूज चलने लगेगी। मीडिया के लिए ये न्यूज किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। और पता है ना, अगर मैं ये न्यूज दूंगा तो वो न्यूज स्टेट में किस लेवल तक जाएगी, उसके बाद ऊपर से नहीं, हर जगह से तेरी बैंड बज जाएगी। समझ गया ना? चल अब फोन रख। मैंने समझा था कि केस के क्लोज होने से विजय कुमार चुप हो जाएगा, पर वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। आज ही खत्म कर दो उसे। आराम से, आराम से लेटे रहो, आराम से। क्या हुआ, खत्म कर दिया उसे? हाँ,
खत्म कर दिया। हाँ? सोन, गुंडों को भेजना और किडनैप करवाना, ये सारे काम बंद कर दे। जो हाल इन लोगों का हुआ है वो ही तेरा भी हो सकता है। वो सुपरिटेंडेंट क्या बोला पता है? जिस ऑफिसर के ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया और उसी ऑफिसर ने गला काट दिया हम लोगों का पैसा लेकर। इसके बाद किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, अपना बदला हम खुद ही लेंगे। इसका फैसला हमें ही करना होगा। फैसला करेंगे, आज ही फैसला करेंगे। ए, आज क्या, अभी ही फैसला करेंगे। पुलिस आ गई, चलो चल चल जल्दी चल जल्दी चलो जल्दी अरे चल चल जल्दी अरे जल्दी कूद अरे कहां तक भागेगा हाँ बोलिए मिस्टर विजय कुमार। मैडम, मदुराई वाले दंगे के केस में जो चार स्टूडेंट गवाही देने गए थे, आपको पता है पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर रखा है और अभी तक उन्हें रिलीज भी नहीं किया है। क्या कॉलेज स्टूडेंट्स को अभी तक रिलीज नहीं किया? हाँ मैडम, अगर उन सबको जल्दी से जल्दी रिलीज नहीं किया गया तो गवर्नमेंट ने जो केस बंद करके रखा हुआ है उसे दोबारा खोलने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी रिलीज करने की तैयारी करें। ओके, मैं रिलीज करने का इमीडिएट ऑर्डर इश्यू करती हूँ। हमें रिलीज करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम चलते हैं। मैंने तुम लोगों को थैंक्स सुनने के लिए बाहर नहीं निकाला, बल्कि इसलिए निकाला है कि जेल से भागने की जो गलती एक बार की है उसे तुम लोग दोबारा ना करो। मुझे पता है तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे लिए फैमिली है, फ्यूचर है, उसे भूलना मत। जिस कंपनी में तुम्हें काम मिला था उसी कंपनी में तुम लोग दोबारा काम करोगे, इसका इंतजाम मैं करूंगा, जो हुआ उसे भूल जाओ। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है सर, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो? पता है सर, उन लोगों ने जो गलती की है उससे बड़ी गलती तो हम लोगों ने नहीं की है ना सर। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ और वो हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। ए, तुम लोग जो करने जा रहे हो तुम्हारे गुजरे हुए दोस्तों को पसंद नहीं आएगा। हाँ सर, उन्हें नहीं पसंद है। कितने अच्छे लोग हैं वो, कितना तरसे हैं पता है? उनको नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। एक पुलिस ऑफिसर के सामने इतने धैर्य से हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बेकार की बातें बंद करो। एक इंक्वायरी कमीशन ऑफिसर होने के नाते मैं उन्हें कोई सजा नहीं दिलवा पाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। अब तुम लोग जा सकते हो। इतने दिनों से कुछ नहीं हो पाया, इसके बाद आप क्या कर सकते सर? एक एक गुंडे को टपकाना तुम जैसे साधारण लोगों और शरीफ लोगों के बस की बात नहीं है, ये हम जैसे पुलिस ऑफिसर्स का काम है। इन लोगों के साथ क्या करना है और कैसे करना है ये मुझे पता है, तब तक मेरे ऊपर भरोसा करके थोड़ा शांत रहो। बोलना बाबा। हेलो, विजय सर ने बुलाया है, कहाँ है तू, जल्दी आना। बीच पर ही हूँ, अभी आ रहा हूँ। अब हमारा अगला टारगेट है पट्टा परमन। ये केदार की तरह कोई लोकल गुंडा नहीं है, बिजनेसमैन बनकर गुंडागर्दी करने वाला एक अपराधी है। इसके लिए ठोस प्लान बनाना पड़ेगा। रायपुरम में रहता है और वही उसका अड्डा है, सो तुम लोगों को ध्यान रखना है। पट्टा परमन के घर से जहां से टारगेट करने वाले हैं लगभग 200 मीटर दूर रहना होगा। दो लोग स्पॉट पे रहेंगे और दो लोग गाड़ी के पास खड़े होंगे। गाड़ी के पास खड़े लोग और स्पॉट पर खड़े लोगों के बीच में कांटेक्ट रहेगा। गाड़ी को सड़क के मोड़ पर खड़ा करना होगा। जो लोग स्पॉट पे खड़े हैं वो मुझे हर पल खबर देते रहेंगे कि परमन के घर में क्या चल रहा है। तुम लोगों में से पिस्तौल चलाना किसे आता है? मुझे आता है सर, मैं कॉलेज में एनसीसी कैडेट में गोल्ड मेडलिस्ट था। संभाल के रखना। Oh,
इसे अपने पास रखना, बी केयरफुल। चल हम दोनों चलते हैं। हाँ। गन दे मुझे। सर, परमन का घर मिल गया ना? उसके घर के पास ही हैं हम। आपने जैसे कहा था सर, बिल्कुल उसी तरह नजर रख रहे। उसके घर के बाहर कितने लोग हैं? लगभग 10 लोग हैं सर। नेक्स्ट। कोई आदमी घर से बाहर निकलकर फोन पर बात कर रहा है। और क्या चल रहा है? एक औरत चाय लेकर जा रही है। वो औरत कैसी दिखती है? हाइट में कम है सर और मोटी है। वो परमन की कीप है। सुनो, परमन का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है। इस समय उसके साथ कम से कम 4 लोग होंगे। हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि स्पॉट के पास ही परमन का रूम है। अपनी गन तैयार रखो, जैसे ही वो तुम्हें नजर आए शूट कर देना। ओके सर। अभी क्या चल रहा है? वापस से एक आदमी आकर फोन पर बात कर रहा है सर। तुम्हारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। उस रूम से बाहर निकलकर एक आदमी फोन पे बात कर रहा था, अभी एक और आदमी बाहर आया है। फोन करने के लिए वो बाहर क्यों आया? इसका मतलब है कि उस रूम के अंदर किसी के फोन का नेटवर्क नहीं मिलता। अगर अभी परमन को फोन किया जाए तो वो बाहर जरूर निकलेगा। करेक्ट सर। नंबर डायल करो। 9 9 6 6 6 6 6। मार रहे। ए, तू तैयार रहे। रिंग बज रहा है, रिंग बज रहा है। टारगेट आ गया, शूट कर। अरे, इसको किसने मारा? क्या हुआ? कैसे हुआ? अरे बाप रे। ओ शिट सर, उसकी जगह कोई दूसरे को गोली लग गई। शिट, कम ऑन क्विक, जल्दी से वहां से बाहर निकलो और अपना सेलफोन ऑफ कर दो। सिम को भी डिस्ट्रॉय कर दो। कम ऑन क्विक, जल्दी निकलो वहां से, फास्ट। सुन, चल निकलते फटाफट। हाँ, चल चल चल। ए, ए, एक एक घर में, गली गली में जाकर ढूंढो उसे। जाओ जाओ सर, चलो चलो, जल्दी जल्दी ढूंढो। सर, शेखर तू वैन को चालू करके रख। ओके सर, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी बीच में कहीं मत रोकना। ओके सर। जैसे ही तुम लोग अड्डे पर पहुंचो मुझे फोन करना। ठीक है सर। हे चल, चल जल्दी कर, जल्दी चल, निकल निकल यहां से, जल्दी निकल निकल। बोलिए भाई। आ जा एसीपी, सब खत्म होने के बाद आया तू। सॉरी भाई, कमिश्नर ने अर्जेंट काम से बाहर भेज दिया था। अरे एसीपी, क्या फिल्मों के सीन की तरह खत्म होने के बाद आ रहा है? पैसे लेते समय तो बराबर टाइम पे पहुंच जाता है। सुनो, इसके ऊपर भरोसा करोगे तुम भी बर्बाद हो जाओगे। ए, तू जा रे जानदर। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। तू तो सुधरने वाला नहीं, नहीं, नहीं है, लेकिन ये बहुत डर गई। मेरा ख्याल रखती है ना। दिख रहा है भाई। भाई, रवि भूषण ने आपको प्रोटेक्शन देने के लिए बोला है। आप सिर्फ बोलिए भाई, कौन है वो? ए, तू जा यहाँ से, जा। तुम्हारे एरिया के बारे में बहुत बातें हो रही है। सुबह से एमएलए मिनिस्टर्स के फोन पे फोन आते जा रहे हैं। सर, परमन के घर कल एक इंसिडेंट हो गया। परमन के असिस्टेंट को किसी ने गोली मार दी। इसी सिलसिले में फोन आया होगा। मरा हुआ वो असिस्टेंट है या गुंडा? ठीक है, कुछ पता चला? कुछ नहीं सर, अभी तक पता नहीं चला। सर, परमन को प्रोटेक्शन देने के लिए मिनिस्टर ने फोन किया था, दे दें क्या सर? ओके, ठीक है। मिनिस्टर के घर पर जितनी सिक्योरिटी है वो परमन के घर पर ट्रांसफर कर दो। सर, और क्या, पॉलिटिशियन होता तो उसे प्रोडक्शन दे देते। ये सब कौन है जो हम लोग इन्हें प्रोडक्शन दें? ऐसा कोई रूल है क्या? सर, उन पे खतरा है इसलिए। इन लोगों पर जितना ध्यान दे रहे हो उतना मुलजिम पकड़ने में ध्यान दो। हाँ
हाँ बोल एसीपी। भाई कमिश्नर से बात करके देख ली, वो प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते। मुझे लगता है थोड़े दिन के लिए आपको बाहर चले जाना चाहिए। हे कमिश्नर मुझे प्रोटेक्शन नहीं देगा, कोई बात नहीं, मेरे बंदे हैं मेरे पास, मुझे क्या करना है मुझे पता है, तू फोन रख। पट्ट परमन को मारने का पहला प्लान नाकाम हो गया, एक छोटी सी वजह से सारे किए कराए पर पानी फिर गया। हमने सब कुछ बराबर किया था सर, लेकिन आदमी दूसरा आ गया। बट अभी हमारे पास एडवांटेज है, कमिश्नर का ऑर्डर है कि उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, और डिसएडवांटेज वो केस खत्म करके बाहर चला जाएगा हमारी पहुंच से दूर। तो अभी हम लोग क्या करें सर? उसके कोर्ट से हाई कोर्ट जाने के रास्ते में ही तुम लोग उसका काम खत्म कर दो, करना ही पड़ेगा। ए, गाड़ी इधर क्यों घुमाई? क्यों रे, तू राइट में क्यों जा रहा है? कोर्ट तो लेफ्ट के रास्ते से जाते हैं ना। भाई इधर से भी जा सकते हैं। अरे पागल, सारे लोग लेफ्ट से जा रहे हैं, तू राइट से क्यों जा रहा है? भाई उस तरफ ट्रैफिक है, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। तुझसे मैं बहुत परेशान हो गया हूं, कोई काम ठीक से नहीं करता। रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी तूने? ए सुब्रमण्यम, तुझे परमार के साथ ड्राइविंग करते हुए 10 साल हो गए, अगर तूने हमारी नहीं सुनी ना तो तू अपनी फैमिली को जिंदा नहीं देख सकेगा। भाई उन लोगों ने मेरी फैमिली को किडनैप कर रखा। अरे 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 अरे, अरे! मुझे मार डालेंगे सर, मुझे बचा लीजिए सर, सर प्लीज सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे सर, सर 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 प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर, सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है क्या? सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। छी छी सर, सर तुम्हें याद है क्या सर कितने लोगों को ऐसे डराया है? हां आ जा सर, तुम्हें सर सर एक चीज दिखाता हूं जो पीछे रखी है। सर सर मुझे बचा। हे क्या सोच रहा है? अबे वो क्या पूछ रहा है बोल। सोच नहीं रहा हूं, पूरा फैसला कर लिया है, जिस काम के लिए आया हूं उसे खत्म करके ही जाऊंगा। हे ये पागल की तरह क्यों बात कर रहा है? विजय सर के बोलने के बावजूद भी तू यहां रुकने की बात कर रहा है? हे उनको हमारा दर्द नहीं पता है, हमारी आंखों के सामने हमारे लोगों को जिंदा जलाया गया और वो उन्हें ऐसे ही छोड़ जाने को कह रहा है। नहीं रे बाबा, हे ये पुलिस हमको चारों तरफ से ढूंढ रही है यार। हां तो रहने देना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अंदर डालेंगे ना, उसके पहले सारे कमीनों को टपका डालेंगे, ये मेरा भरोसा है। थोड़ा टाइम तो जाने दे यार। नहीं रे बाबा, वो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, गांव जाकर हम लोग एक दिन भी शांति से नहीं रह सकते बाबा, वो हाउसिंग बोर्ड रवि को टपका के ही रहेंगे, उसके बाद इनको क्यों हाथ लगाया रवि भूषण को पता चलना ही चाहिए, उसको भी टपकाएंगे साले को, उसके बाद जाएंगे अपन। बोलना। ठीक है सब खत्म करके ही जाते हैं। इस राज्य में पहले से ज्यादा क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, पुलिस वालों की लापरवाही बोल के पेपर और टीवी वाले अपनी बैंड बजा रहे हैं। पब्लिक आप लोगों से मीटिंग करके गई थी क्या? आज कोयम्बतूर में एक एक्यूज को गोली मार के पुलिस को जनता थोड़ा अच्छा समझ रही है, उसे कोई भी झूठा नहीं बोल सकता। एक के बाद एक वेस्ट चेन्नई में और दूसरा सेंट्रल चेन्नई में ऐसे 2 मर्डर हो गए हैं सर, इन 2 मर्डर्स के बीच कोई गहरा संबंध है क्या सर? हाँ हो सकता है, हमारा डिपार्टमेंट भी उसे ट्रेस कर रहा है, देखते हैं, लेट्स सी। केदार आपसे प्रोटेक्शन मांग रहा है लेकिन आपने दिया नहीं है सर, क्या ये बात सच है? ये सब तो आप लोगों को भी पता होगा,
हम लोगों को जब किसी एक्यूज को गिरफ्तार करना होता है तब तुम लोग उसे हीरो बना देते हो। पिछले हफ्ते केदार, इस हफ्ते पट्ट परमन, अगले हफ्ते कौन होगा सर? नो, जब अपने एसी उनसे प्रोडक्शन के लिए पूछ रहे थे तो उन्होंने ही मना कर दिया था। किसी पर आपको शक हो, ऐसा कुछ सुराग मिला है क्या सर? उन दोनों मर्डर के डिटेल्स हमारे एसीपी चंद्र प्रकाश कलेक्ट कर रहे हैं। आरोपी कौन है जल्दी ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके ओके सर। सर, मैं कोशिश करूंगा कि सबको जल्द से जल्द अरेस्ट कर दूं। अरे मैंने कभी बोला क्या? ओ, जो प्रेस वालों को बोला है वो सुना होगा। उन लोगों के पास ऐसा बोलना पड़ता है। जो लोग मर गए हैं वो नेक लोग हैं क्या? ये सब छोड़कर दूसरा काम करो, जाओ। गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है भाई, करता हूँ भाई। क्या मामा, आप चुपचाप क्यों खड़े? तो क्या करूं, ढोल बजा बजा के नाचूं क्या? केदार और पट्टे परमन तो दुनिया से चले गए और तू डर के मारे मेरे पास खड़ा है। तुझे शर्म नहीं आती? अपने को गुंडा कहता है, ऊपर से मेरा भांजा भी है। छे, किसने मारा ये पता ही नहीं चला मामा, क्या बताऊं। बेटा जो गला काटता है वो अपना एड्रेस फोन नंबर देकर नहीं जाता गधे। इधर देख, 7 साल में ड्रग्स बेचे, 13 साल की उम्र में मर्डर किया, 18 साल की उम्र में रेप किया, ये सब पुराना है, इसमें कुछ भी खास नहीं। मैं चेन्नई से आया था, भिखारी था। अभी भी लग रहा हूं क्या? ए सुन रहे, आज 100 करोड़ का मालिक हूं मैं, पूरा शहर मेरे नाम से डरता है। रवि भूषण का नाम सुनते ही पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है, पता है क्यों? डर, डर, डर। केदार भी और परमन भी, ये दोनों ही आप ही के आदमी थे ना मामा? चेन्नई में आपका नाम सुनते ही सबकी फट जाती है मामा, ये तो आपको पता है ना? और उन लोगों ने इनको ही मार दिया। जरा सुन बेटा, ये व्हाइट शर्ट पहन के, गले में चेन डाल के, 4 टाटा सुमो में 40 को लेकर घूमने से तेरा डर कायम नहीं होगा। कभी अकेले में जा और कभी सब लोगों के साथ जा, कुछ करके दिखा, सब पर अपना डर कायम कर, तब गुंडा बनेगा तू। भाई ये पुलिस वाला भी बहुत चालू है, साधारण मत समझेगा, जरा देखिए इसे। क्या रे एसीपी, अपना वीरा जो कह रहा है सही है क्या? सर, इस केस के बारे में मैंने कमिश्नर से बात की है, उन्होंने बोला कुछ दिन जाने दो, उसके बाद देखते हैं। सर, अब कमिश्नर के आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? ये बता, तुझे एसीपी मैंने बनाया या कमिश्नर ने, उसकी ज्यादा ही सुन रहा है तू। इधर देख, 4 दिन में तू सारे लोगों को पकड़ेगा, नहीं तो तेरा पत्ता काट दूंगा। क्या हुआ भांजे, बहुत डर लग रहा है क्या? ये ले ले ले, उस कोने में चला जा और जाकर आत्महत्या कर ले। आज पता चला हिजड़ों की फौज मैंने पाल रखी है। ओए, अभी तुम लोग क्या सोच रहे हो? अभी हाउसिंग बोर्ड रवि क्या करता है, कहाँ जाता है, ये सब डिटेल्स हमने निकाले ना। हम लोग जितना सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है उसको मारना, जहाँ भी जाता है पूरी टाइट सिक्योरिटी के साथ जाता है, मुझे लग रहा है उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। ए, वो कितने भी टाइट सिक्योरिटी के साथ जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, अगर उसे ठीक से फॉलो करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं टपका ही देंगे। वो कहाँ कहाँ जाता है? सुबह 6 बजे जाता है जॉगिंग, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था ना, वो पहले से ज्यादा होशियार हो गया है, लेकिन तुम लोग ही नहीं समझे। अभी तो विजय सर ने जैसा बोला था, हम लोग गांव चले जाते हैं। ए, तू क्या बार बार विजय सर कर रहा है? वो तो अपनी लाइफ में अभी अभी आए हैं, इसलिए हमें आधे रास्ते छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं। अपना प्रॉब्लम अपने को ही सॉल्व करना है, अपना पाप और अपना अधूरा काम
आधे में छोड़कर नहीं जाना है, पूरा करके ही जाना है, पूरी तरह खत्म करके ही जाना है। अभी जो बोल रहा हूँ वो सुनो, हम चारों के चारों उसके पीछे जाएंगे, उसमें से एक जो लास्ट में बचेगा उसे वो मारेगा। क्या बोलते हो, बोलो। जरूर यार, उन लोगों की जान लेने से पहले अपनी जान चली जाए तो भी परवाह नहीं। तू क्या बोल रहा है? तुम लोग जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, उसे तो अब हम लोग खत्म करके ही जाएंगे। नमस्कार सर। आइए विजय कुमार, बैठिए। आप मुझे एक हेल्प कीजिए। बोलिए सर। आपको भी पता होगा, कुछ दिन पहले केदार और पट्ट परमन दोनों को किसी ने मार डाला। ये तो अच्छी बात है ना सर। गुंडे लोग मर गए तो सारी पब्लिक खुश हो गई ना, पर मेरी तो लग रही है ना, कुछ यहां से लग रही है तो कुछ वहां से लग रही है। आप मेरी परेशानी नहीं समझ सकते हैं। मैंने कमिश्नर, CBI, CID सबको बोलकर देख लिया। जिसने भी इन लोगों को मारा वो एक भी सबूत छोड़कर नहीं गया है। तो मैं क्या कर सकता हूं सर? वो कौन है, क्यों किया, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। वैसे भी तुमने 4 महीने की इंक्वायरी 4 दिन में ही खत्म कर दी थी, तो इसे भी आप 2 दिन में खत्म कर दोगे तो अच्छा होगा। फिर मैं अपोजिशन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, उसके बाद CM से अच्छा नाम कमा लूंगा। सर जब यहाँ महात्मा गांधी के दुश्मन हो सकते हैं सर, तो ऐसे गुंडों के दुश्मन होना कौन सी बड़ी बात है सर? 2 दिन क्या सर, मैं चाहूं तो उन्हें 2 घंटे में पकड़ सकता हूं, पर पकड़ूंगा नहीं सर। सबको मैं ही मिलता हूं बजाने को। केदार के ऊपर मांडवनी करने के और किडनैपिंग करने के कुल मिलाकर 48 केस हैं। पट्ट परमन के ऊपर 28 केस हैं। कानून इन्हें सजा नहीं दे सकता तो इनके सताए हुए लोग सजा दे रहे हैं। आप ही बताइए मैं इन्हें क्यों पकड़ूं सर? विजय कुमार, एक पुलिस ऑफिसर की तरह चलो। जब मैं इंक्वायरी खत्म करके आया था तो आपने मिनिस्टर की तरह बिहेव नहीं किया था। उसी दिन उन्हें अंदर कर दिया होता तो आज बेचारे जिंदा होते सर। आप बोलना क्या चाहते हो? अपराधियों के मौत के केस का इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं करूंगा सर। अरे क्या हुआ, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद तुम मुझे देख रही हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अपने दोस्तों की याद आ रही है। बस इतनी सी बात है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तुम गाँव जाकर उनसे मिलके आ जाओ। गाँव में होते तो जरूर उन्हें मिलके आता, लेकिन वो इस दुनिया में ही नहीं है। क्या बोल रहे हो, कब हुआ ये? क्या बताऊं तुम्हें, कॉलेज की छुट्टी के बाद हम कितने खुश थे पता है? हमारे जैसे दोस्त इस दुनिया में नहीं थे। जरा उस तरफ बैठो, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, अरे तू उधर सड़क के बैठो ना बेटा, तू ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ सही बात। अरे इधर आओ, जरा आके तैयारी वगैरह करो। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, जरा देख लो क्या बाकी है क्या नहीं है, क्या करना है। हाँ हाँ, उधर देखो ना, जरा सब कुछ तैयारी कर लो। तू क्या बड़बड़ कर रही है, फटाफट फूल खा के देख। कुछ करती नहीं है, बोलती है। ये लो, ठीक है, बस हो गया, देखा ठीक है। हाँ जाओ जाओ। अरे मुझे बांधने नहीं आ रहा, चलिए चलिए। अरे क्या हुआ, क्या अभी तक तुम लोगों ने लुंगी नहीं पहनी? अरे मैंने तो पहना है, वो पहना नहीं है। दोस्तों के सामने पहनने में कैसी शर्म है? अरे तुम लोगों के मामा एक बार पहन लेते हैं तो 4 महीने में खुलती नहीं है उनकी। हाँ, 4 महीने में एक बार लुंगी खुलती तो आपके 4 बच्चे। ओ, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। अरे क्या हो गया भाई, ले आओ बच्चों को, अरे कान छिदवाना है। क्या मामा, जैसे मामी को डराते हो तो वैसे हमें भी डरा रहे हो क्या? अरे कान छिदवाएंगे तो मुहूर्त पे ही छिदवाएंगे ना। अबे तेरे मामा की शक्ल देख कैसी हो गई है। हे, क्या दांत दिखा रही हो तुम दोनों? अरे जल्दी से जाओ, उस कान छेदने वाले को लेकर आओ। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए। लड़के को तो लेकर आ गए, लेकिन इसका मामा कहाँ है जिसके गोद पे बैठ के कान छिदवाएगा? किसने कहा? इसके एक नहीं 3-3 मामा है। ए, जाओ रे, जाओ ना। अबे जाना, अबे तू जाना।
जरा संभाल के छेदना, बच्चा है। चलो अरे ये चलना क्या कर रहे आराम से उतरना। हम लोगों की मदद हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। वो लोग हमेशा इसी तरह खुश रहे, आपकी हमेशा इसी तरह कृपा बनी रहे हम पर। डियर स्टूडेंट्स, कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया है। ये स्टेट का नंबर वन कॉलेज है। इस कॉलेज में सीट मिलना बहुत मुश्किल है, आप लोगों को पता है। अच्छे मार्क्स मिलाकर भी पैसा नहीं होने की वजह से अपने कॉलेज में ज्वाइन नहीं हो सके, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उन सभी को अपने कॉलेज में पढ़ना है। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स, उन लोगों की मदद कीजिए, वो लोग भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप में से कोई मदद करना चाहेगा? ए, उठना, तू भी उठना, उठ उठ। सर, मैं दूजी की मदद करूंगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे इसे बाद में देखना। मीट देम, शी इज कावेरी। हाय। हेलो। शी इज बसंती। हाय। ही इज सत्या। हाय। हेलो। हाय। और ये है तृप्ति। हेलो। अच्छा, तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? हे, मैंने सुबह इन लोगों को कॉलेज के कैंपस में देखा। दे हैव गॉट 95% मार्क्स। ये लोग कॉलेज ब्रेक ना करे इसलिए तुम लोगों को मदद करने के लिए बोला। हे, ये क्या सोच रहे हो तुम लोग? मुझे भी नहीं पता कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, इसलिए फील बिल्कुल नहीं करते। फील करने से बेटर है कि उनका नाम ऊंचा करें, बस इतना ही है। एक बार मैं जीजू और दीदी से पूछ लूं। मैंने ऐसा नहीं सोचा, इन दोनों की नजरों में तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। हे, ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों की नजर है ही ऐसी। अभी से हम सब लोग फ्रेंड्स, ओके? ओके। ए, तुम दोनों के भरोसे ही हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों को अच्छे से पढ़ाओगे ना? तथास्तु। ठीक है। इतनी देर से भगवान से क्या मांग रही थी? हम सबकी दोस्ती इसी तरह रहे, इसी की प्रार्थना कर रही थी। ऐसा है क्या? हे, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रार्थना कर रही है? ऐसा कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। अच्छी जॉब मिले, यही प्रार्थना की ना? हाँ। तुम लोग जो भी बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 लोगों से शादी करके 10 बच्चे पैदा करके तुम सभी को टकला बनवाओ, ऐसी प्रार्थना की? ये सब प्रार्थना कर रही है क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। एक दूसरे का ध्यान रखना और पढ़ाई भी अच्छे से करना। हाँ हाँ, जरा संभल के, ज्यादा मस्ती नहीं। हाँ हाँ हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बाय। अच्छा, हम चलते हैं। अपना ख्याल रख, चलते हैं। हाँ ना, फोन करते रहना। हाँ हाँ, और ठीक से पढ़ाई करना। हम सब को भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ चलते हैं। बाय। हाँ चलते हैं, बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम सब भी। हाँ ख्याल रखना। हाँ बाय 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 बाय, टेक केयर। डियर फाइनल स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है। कैंपस इंटरव्यू के लिए कुछ कंपनीज अगले हफ्ते अपने कॉलेज आ रही हैं।
उन कंपनीज के डिटेल्स नोटिस बोर्ड पर मेंशन किए गए हैं। हर एक साल अपने कॉलेज में इंटरव्यू होता है, तो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स ही अच्छा परफॉर्म करके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। ये अपने कॉलेज के लिए गर्व की बात है। उसी तरह इस बार भी आप लोग सारे अपॉइंटमेंट्स लेकर अपने कॉलेज को और बढ़ाएंगे। हे, ये तो बहुत ही बोरिंग पिक्चर थी। अरे क्या यार, अच्छी पिक्चर तो थी। ए, चुप कर ना, तुझे कॉमेडी चाहिए थी। ठीक है, पहले तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंजॉयमेंट के लिए तो बहुत समय मिलेगा। देखना, हम सबको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रहा है तू। कल इंडिया के नंबर वन कंपनी के लोग आ रहे हैं, तो कल के इंटरव्यू में हमें पास होना है। करेक्ट। अगर अपनी जरूरतें और अपना सपना पूरा करना है तो हमारे मम्मी पापा भाई बहन इतना दुख उठा रहे हैं ये सोचकर कि हम लोग इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी। मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि मुझे जॉब जरूर मिलेगा। भाई, गाड़ी की चाबी देना। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? पापा को अर्जेंट दवा चाहिए, तो मैं उन्हें देकर आता हूँ। अरे जा 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 ना। एक पेन देना। हाँ ये ले। हेलो। बहुत मजा आया। हेलो। हाँ, प्रिया ही बोल रही हूँ। और ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे जोक्स पड़े हैं। व्हाट? डॉक्टर, क्या हो गया इसको? डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। एक वीक के लिए इनको रेस्ट लेने दीजिए, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। सत्या, क्या हो गया तुझे? अब कैसा लग रहा है? आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। कितनी बार मना किया, स्पीड से गाड़ी मत चलाओ। हे, क्या हुआ? तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? इंटरव्यू में जाने के लिए मूड नहीं हो रहा है। इतने दिनों से इसी इंटरव्यू के लिए हम लोग मशक्कत कर रहे थे, लेकिन बीच में सत्या का एक्सीडेंट हो गया। हम सबको तो काम मिल जाएगा, सिर्फ सत्या को काम नहीं मिलेगा। उसका दिल कितना दुखेगा ना। तो उसके ठीक होने के बाद हम सब जाएंगे। तब तक तुम लोग का इंटरव्यू करने वाली कंपनी वेट करेगी क्या? ऐसी बात नहीं है यार। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। बहुत सारे लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमारे लिए आई है। कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो जॉब जरूर मिलेगा। एक बार बारिश गिरने के लिए सभी लोग प्रेयर कर रहे थे, उसमें से एक छोटा सा लड़का छतरी लेकर आया। इसे कहते हैं फुल कॉन्फिडेंस। तुम लोग भी कुछ ऐसा ही सोचो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। यू कैन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम तृप्ति है। ओके। मैं मदुरई के एक छोटे से गांव से हूँ सर। मेरे पिताजी नहीं है। ओह आई एम सॉरी। अपने दोस्तों के सपोर्ट से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। गुड। थैंक यू। आई थिंक तुम ये किसी और की फाइल उठा के ले आई हो। यस सर, एक्चुअली ये फाइल मेरे फ्रेंड सत्या की है। ही इज वेरी टैलेंटेड। ये मुझसे भी ज्यादा मार्क्स लाया है सर। तो फिर आप उसे भेज दो ना। आप क्यों आई हो? सॉरी सर, अभी वो नहीं आ सकता, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर नेक्स्ट इंटरव्यू अटेंड करने के लिए बोलिए। सर प्लीज सर। इंटरव्यू अटेंड किए बिना व्हाट कैन आई डू फॉर हिम? सी, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू अटेंड द इंटरव्यू, अदरवाइज यू कैन गो। आपकी कंपनी में ज्वाइन करने का उसका ड्रीम है सर। He will be very helpful for your project, sir. Please, sir. क्या यार, अभी तक आई नहीं? रुकना यार, आ जाएगी। जल्दी क्या है? इसके लिए एटलीस्ट आई हैव टू टॉक टू हिम। अभी मैं आपकी बात कराती हूँ सर। मैं उसको कॉल करती हूँ सर। जस्ट अ मिनट आई कॉल हिम। हेलो मम्मी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। सत्या तो सो रहा है बेटी। प्लीज सत्या को फोन दो ना माँ।
सत्या, सत्या बेटा, प्रिया बात करना चाहती है। हेलो सत्या, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं जो बात कर रही हूँ वो तुम्हें सुनने में आ रही है ना? हाँ प्रिया। तेरा इंटरव्यू लेने के लिए मैंने कंपनी में बात कर ली है, तू उनसे बात कर प्लीज। टॉक टू हिम जस्ट अ मिनट सर, वो बात कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, वो कुछ बात नहीं कर रहा है। डोंट वेस्ट अवर टाइम आई से। सर सर जस्ट अ मिनट, वो बात जरूर करेगा। हेलो क्या हुआ सत्या, तो बात क्यों नहीं कर रहा है? सत्या प्लीज यार बात करना, ये तेरी ड्रीम कंपनी है, इट्स योर ड्रीम, थिंक अबाउट योर फैमिली। आई हैव कॉन्फिडेंट तू बात करेगा, प्लीज प्लीज यार। अभी बात करेगा सर। आर यू मिस्टर सत्या? यस सर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैमिनेटिंग अ कोर इन अ ट्रांसफार्मर? टू रिड्यूस इंडी करंट लॉस। हाउ आर स्ट्रेसेस क्लासेस मिनिमाइज्ड इन ट्रांसफार्मर? बाय सिनेटिक मटेरियल्स फॉर कोर विद द इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ मोटर? HP इज इक्वल टू P multiply I multiply efficiency by 746. What is the use of a rotatory share converter? Rotatory phase converter by converting signal into same power into time balance 3-phase power through single phase to 3-phase. Good. Your friend has been appointed. You happy? Thank you, sir. Thank you very much, sir. इसलिए बोले hey, अरे क्या हुआ बताना यार। सत्या का इंटरव्यू क्लियर हो गया। यस यस, ये बहुत अच्छा है। बाहर आओगी? चलो अच्छा हुआ तुमको काम मिल गया। सुपर्ब। नमस्ते भाई। लेकिन मजाक मेरा बन रहा है भाई। अपन से पैसा लेकर वो इलेक्शन में हट जाऊंगा ऐसा बोला था, वो अचानक ऐसा बदल जाएगा मुझे पता नहीं था भाई। रवि भूषण को हराकर फूलों की बरसात हो रही है उस पर, अब उसके जिंदा रहने के दिन खत्म हुए। कहाँ है वो? जनता के बीच धन्यवाद बोलने गया है भाई। भाई श्रीनिवासन जिंदाबाद। 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 ये देखते ही डर कर दुबक जाने वाले की पूरे शहर में जय जयकार हो रही है। जा जाकर अपने पद से इस्तीफा देकर आ। तू बोल के इस पद का राजीनामा करना कोई तेरे घर का काम नहीं है। तू सिर्फ रवि भूषण है, मैं अभी MLA हूँ, लोगों का प्रतिनिधि हूँ मैं, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। मेरे सामने आज बहुत उछल रहा है तू, तुझे तो इनाम देना पड़ेगा। दे रे। चलो भागो, चलो भागो, 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 भागो। इसके मरने पर पूरे स्टेट को पता चलेगा कि रवि भूषण हस्ती क्या है। पार्वती परमेश्वर शुक्लं मृदनं विट्टं शशिवर्णं शत्रुभुजं प्रसन्नवदनं
चेत सर्वविघ्नोपशान्त खिङ्गे चमिणे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु मातृदेवताभ्यो नमः वरुणासनाद्रमाः प्रसीदिशे नमः वो अपाम्बतजे नमः वो मकरवाकनाद्रमाः ॐ जलाधिपतजे नमः पाशस्ताज नमः मार्जयन्तां पितामह। इसे जल में प्रवाहित कर दो। क्यों भाई, भाभी का पिंडदान कर रहे हैं तो हमें जल्दी क्यों बुलाया? जल्दी है, बहुत जल्दी है, इसीलिए तुम लोगों को बुलाया है यहाँ पर। क्यों भाई, क्या हुआ? क्या हुआ मामा, बोलिए ना। स्टेट की पुलिस मुझे कैद करने जा रही है। मजाक लग रहा है ना तुम्हें? क्या मामा, इस एरिया में आपकी कितनी इज्जत है, आपका कितना नाम है पॉलिटिक्स में, यहाँ की पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है मुझे, जानता हूँ, सब जानता हूँ। अब एक छोटी सी गलती मैंने कर डाली। कल दिन दहाड़े मदुराई शहर में बीच रास्ते पर इलेक्शन में जीत कर आए हुए एमएलए को चाकू घुसेड़ कर मार डाला। अब ये केस कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं। ऐसा किया इस रवि भूषण ने ताकि सबको पता चले कि मेरे सामने सर उठाने वाले का हश्र क्या होता है। बोलिए ना भाई, क्या करना है, हम लोग देख लेंगे। मेरी गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में दंगा होना चाहिए। एक भी घर में शांति नहीं रहनी चाहिए। इतना बड़ा दंगा फसाद हो कि यहां की गवर्नमेंट पूरी तरह से हिल जाए, सरकार यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई, तभी जाकर मुझे शांति मिलेगी। यह काम मैं वहां के लोगों से भी करवा सकता था, लेकिन वहां पुलिस ने कर्फ्यू लगा रखा है, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाना पड़ा। छोड़िए ना मामा, हम देख लेंगे। हे, जितना ज्यादा तुम लोग दंगा फसाद मचाओगे, गवर्नमेंट उतनी ही जल्दी मुझे बाहर करेगी, इसे अच्छी तरह से समझ लेना। देख लेना मामा, कल शाम तक हम सब घर पे रहेंगे। यार आगे कुछ तो लफड़ा लग रहा है, पता नहीं कैसे आगे जाएंगे। हे, रास्ता छोड़, हॉस्पिटल जाना है, सुना नहीं दे रहा है क्या? ए, हम लोगों पे काहे को चिल्ला रहा है? रवि भूषण को बाहर निकालो, ऐसा यहाँ से चिल्ला, ये बात गवर्नमेंट को सुनाई देनी चाहिए, उसके बाद हम रास्ता छोड़ेंगे। चल चिल्ला। वो अंदर है तो मैं क्यों चिल्लाऊं रे? तेरी तो भाई, क्या हो गया यहाँ पर? पता नहीं भाई, बहुत टाइम से ऐसे ही खड़े है। हाँ, चल हट। कोई रास्ता जाके तो दिखाए। ये फालतू की बात क्या कर रहा है, बजा इसको। ए, उन लोगों को मार के भगाने का छोड़ के क्या बहस कर रहा है बे? छोड़ना मत किसी को। लगता है इन लोगों से कुछ काम नहीं होने वाला।
चलो हमें चलना पड़ेगा। रुक, हट। भैया भैया मदद करो, बचा लो भैया, बचा लो, वो मेरी बेटी, मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी का क्या होगा? अब जाइए यहाँ से, चल चल चल, मेरी बेटी। ए अरे हे, जला इसे, ओए मार उसको, मार उसे, हे किसी को मैं छोड़ना, जला डालो सबको, ए मार, मार उसे, चल चल, अबे हट बे, ये वाह वाह वाह, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, ओए हटो यहाँ से, चल दादा नाटक मत कर, चलो हटो, अरे भैया बचाओ, ये हमारा दोस्त है, हाँ हाँ चलो चलो जल्दी करो, तुम लोग अंदर ही रहना, बाहर मत आना, बस चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो बच्चो, आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी, आ जाओ आराम से, आ जाओ जल्दी, जला डाल, अरे स्कूल बस को जला रहे, ए स्कूल बस के ऊपर पेट्रोल डाल रहे हो, दिमाग नहीं है क्या, ए तेरी तो, छोड़ूंगी तुझे, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, दंगा करवा रहे तू, केला नहीं 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 मुझे माफ कर दो। ए, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम लोगों की लाइफ के बारे में सुन के मुझे इतना दुख हो रहा है, तो तुम लोगों को कितना दुख हुआ होगा, ये सब मुझे पता नहीं था, कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना, भगवान करे ऐसी घटना कभी भी किसी और के साथ कभी ना घटे। Thank you.
क्या सर जी, कोई बचा है क्या यही देखने के लिए आए? आपसे कुछ नहीं हो सकता सर जी, आपका कानून जो नहीं कर सकता वो मेरे स्वामी जी करेंगे। कितनों की जान ले ली। मैं यहां इंक्वायरी कमीशन ऑफिसर बनकर नहीं आया। जिसने गुनाह किया मैं उसे सजा तो नहीं दे सकता, एटलीस्ट तुम्हारे दुखों में मैं शामिल तो हो ही सकता हूं। सर जी, ये फोटो में जो लड़की है ना, आपको पता है अनाथालय से आई थी ये, पर अनाथ नहीं थी, इसे उन लोगों ने अनाथ कर दिया। ये जो माँ जी हैं, आपको याद है उस दिन आपसे रो रो कर कह रही थी मेरी लड़की को इंसाफ दिलाओ, ये है तृप्ति की माँ, वही इनका आखिरी रोना था। उसके बाद ये पागल हो गई, देखो इसे, अपाहिज है बेचारा, इतना कष्ट उठाते हुए भी अपनी बहन को पढ़ाता था, अब वो भी चली गई। इस बेचारे के लिए इसकी बहन ही सब कुछ थी। इन सबको आप क्या बोलना चाहते हैं? सर जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? तुमने जो कहा वो गलत नहीं है, क्योंकि तुम सब लोगों ने जिन्हें खोया है वो तुम्हारे अपने थे। मैं उन खूनियों को नहीं छोड़ूंगा। एक बार चाहे तुम्हारा भगवान उन्हें माफ कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं उन्हें सजा देकर रहूंगा। तुमने अपने जिस सुख और शांति को खोया है मैं उसे वापस लाऊंगा। हेलो। क्या रे, इतने आदमी होते हुए भी तू सोच रहा है तू बच जाएगा? अब तू मरेगा। hey, तू किससे बात कर रहा है पता है ना? हाउसिंग बोर्ड रवि से। hey, तुझे टपकाने वाला कोई बाहर नहीं, तेरे साथ तेरे घर पर ही है तेरी मौत बनकर। hey, कौन है रे तू? कहाँ है तू? सामने आ। चुपके क्यों बात करते है? कहीं और नहीं, तेरे आदमियों के साथ ही मिला जुला हूँ। तेरे घर के सिक्योरिटी के साथ हूँ। और हाँ, तुझे मारने वाली तेरी घर की नौकरानी भी हो सकती है। अबे तू कौन? शंकर, शंकर! भाई भाई क्या हुआ? दूध वाला, पेपर वाला, कुरियर वाला, केबल वाला, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। क्या भाई? सबको भगा दो यहाँ से, निकाल दो सबको यहाँ से, यहाँ पर बाहर का आदमी कोई भी दिखना नहीं चाहिए, सबको भगा दो। भाई आप पागल हो गए हो क्या? सब अपने आदमी है भाई। ए, अपने आदमी के हाथों मुझे मरवाना चाहता है क्या? ए, कौन है रे वो? लेकर आओ मेरे सामने। ए, फोन पहले कहाँ से है वो देखो। फोन चलो रे। ए, अभी तूने यहाँ से फोन किया था ना? नहीं साहब। नहीं पता है तुझे? वो लोग आसपास ही रहेंगे, दो लोग उधर जाओ, दो लोग इधर जाओ। भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे? अरे उन लोगों को आज ही खत्म कर देंगे भाई। अभी खत्म करेंगे। सर वो देखो, वो जा रहे, उन्होंने यहाँ से फोन किया था। छोड़ना ना इन लोगों को। ए, रुको, पकड़ 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 इसको। ए, जाने मत दे, पकड़। अबे रुक, घेर इसको, पकड़। रुक रुक, अबे बच के कहाँ जाएगा बे? अबे रुक, तेरे तो आज हम क्या? पकड़ो, उस तरफ से जाओ। Hey, रुक रुक, hey, रुक रहे। तू जा यहां से। चल निकल, अरे जल्दी कर, चल चल चल। क्या हुआ? खत्म कर दिया उसको। दया किधर है? बस आता ही होगा। चलो अभी इतनी देर तो यहाँ पे रुक गए हैं, अब निकलते हैं, वो अपने अड्डे पे आ जाएगा।
ओके ओके डन चलो। हाँ चल। तुझसे बोला था कि मेरे भांजे को देख ले, पर तूने तो उसे मार डाला। कमिश्नर से कहकर भाई की सुरक्षा बढ़वा दे मैंने एसीपी को कितनी बार बोला, लेकिन इसने नहीं सुना भाई। एसीपी, मेरा भांजा मार डाला गया और तू प्रोटेक्शन की परमिशन लेने की बात कर रहा है? आज की तारीख में पूरे शहर में आधे पुलिस वाले मेरे दिए हुए पैसों से पल रहे हैं। अरे जरा भी दया नहीं है तुम लोगों के पास? भाई जिन लोगों ने उसे मारा था उनमें से एक पकड़ लिया गया। भाई कौन है, कौन है, कौन है वो? भाई रवि के कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अपने दो आदमियों को उन्होंने ही मारा। क्या कहा? मेरे भांजे को मारने वाले 22 साल के लड़के हैं? हाँ भाई। अरे लेकर आओ, पूरे शहर का कोना कोना छान मारो, उन सबको पकड़ के उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो। उन सबको एक साथ उठा लेंगे। अरे बोल मत, करके दिखा, जा जा जा। दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? मैंने कितनी बार कहा तुम लोगों से कि गांव जाओ, गए क्यों नहीं? सर जो गुजर गए वो कोई और नहीं, हमारे दोस्त थे। इसका मतलब जो बचे उन्हें भी खोना चाहते हो? हम चारों में से कोई भी ना बचे परवाह नहीं है सर, लेकिन उनकी जान तो हम लेकर ही रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे सर। ए बकवास बंद करो, तुम लोगों के दिल में जितना गुस्सा भरा हुआ है उससे ज्यादा मेरे दिल में है। आप सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें गांव क्यों भेज रहे हो? ऐसा आपके परिवार में किसी के साथ हुआ होता तो आप भी ऐसे आदमी छोड़कर चले जाते क्या? चुप रहो, क्या हमेशा दोस्त दोस्त करते रहते हो? तुमने तो अपना दोस्त खोया है। लेकिन मैंने तो, मैंने अपना दोस्त नहीं अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है। जानते हो वो कौन है? मेरी बेटी प्रिया। ये क्या बोल रहे हो सर? मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भी एक परिवार था, मेरी बीवी, एक बेटा और एक बेटी। स्पेशल केस के लिए मुंबई गया था, वहां पर हुए एक अटैक में बीवी और बेटा मारे गए। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे मदुराई के हॉस्टल में भर्ती करवा दिया, लेकिन फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। उसी समय मदुराई में ये दंगा हुआ और मैंने अपनी बेटी को खो दिया, और उसके बाद से मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंक्वायरी कमीशन ऑफिसर मुझे गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, एक आईपीएस अधिकारी की हैसियत से आपसे मिलने नहीं आया, एक दोस्त की हैसियत से आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। बोलिए मिस्टर विजय कुमार, मैं क्या मदद करूँ? मदुरई में जो दंगा हुआ था उस केस में इंक्वायरी कमीशन ऑफिसर चाहिए ना? चाहिए। तो उसके लिए मुझे भेज दीजिए। अब समझ में आ गया, किसी से खून का रिश्ता होने पर इंक्वायरी कमीशन ऑफिसर नहीं बनाया जाता, पर नियमों को ताक पर रखकर इस केस में मुझे अपॉइंट किया गया। अपराधियों को लॉ के हिसाब से दंड दिलवाना चाहता था, इसीलिए इंक्वायरी जल्दी खत्म कर दी, पर रवि भूषण की राजनीतिक पहुंच की वजह से मेरी इस पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। तभी तुम लोगों ने मुझे गलत समझकर जेल से फरार होने की कोशिश की और मुझे तुम्हारे बदले की आग समझ में आई। मैंने सोचा अपराधियों को सजा तो दिलवानी है, लेकिन तरीका थोड़ा बदलना होगा। उनका बचना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे मैंने अपनी बेटी को खोया, तुमने भी अपने दोस्तों को खोया,
इसके बाद कोई किसी अपने को ना खोए, इसलिए तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया? सॉरी सर, हम आपको गलत समझ बैठे। सर, लेकिन अब दया को कैसे बचाया जाए? मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। हेलो, क्या विजय कुमार, बाकी के तीन बच्चों को अपने दिमाग से बचा लिया? ए, कहाँ है वो लड़का? तू ऐसे पूछेगा तो बता दूंगा क्या? किसी और को नहीं खोया है मैंने, अपने को खोया है। इस दर्द का एहसास तुझे अब होगा। ए, उस लड़के को कहाँ रखा है तूने? अभी तक सेफ है, बस थोड़ी देर पहले मेरे लोग उसका पार्सल बनाने हार्बर की तरफ लेकर गए हैं। हो सके तो जाकर बचा ले उसे। सोन, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। जगह से निकलना होगा, कम ऑन, चलो जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। सत्या, तू उस तरफ जा, तू राइट में जा। ठीक है सर। और तू लेफ्ट में। ओके सर। एक ही लड़का नहीं, बाकी तीनों को भी तूने खो दिया। कोई भी तेरे हाथ नहीं लगने वाला। तू फिर से गलती कर रहा है। आज की तारीख में तू और तेरे सारे लड़के जिंदा है, यही मेरी गलती है। ए! दया, कादर, अगर उन लड़कों को एक खरोच भी आई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक खरोच क्या, 100 टुकड़े कर दिए मैंने। तू जल्दी से मेरे अड्डे पर जा, वहाँ एक पार्सल तेरा इंतजार कर रहा है। ए! हट, चिल्ला मत, जल्दी जा। रवि भूषण, कायरों की तरह बच्चों की जान के साथ क्यों खेल रहा है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। आऊंगा,
जरूर आऊंगा तेरे पास, लेकिन अपनों के मरने की तकलीफ कैसी होती है ये एहसास दिलाने के बाद। ए, रवि भूषण, भाई विजय का फोन आ रहा है। ए विजय कुमार, थोड़ी ही देर में तेरे सारे लड़के यहां से चले। चुप रह, इतनी देर से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, अब मेरी बारी है, तू मेरी बात सुन। बैंगलोर में तेरा जो बेटा है ना, उसे फोन कर। अरे ए, ए, क्या कह रहा? ए वीरा, बेटे को फोन लगा। हाँ, लगाता हूँ। लीजिए भाई। हाँ, हेलो। ए, तेरे लड़के को मैंने उठा लिया। ए, ए, कौन है तू? कौन है तू? अब किसी ने उसे किडनैप कर लिया। विजय को फोन लगा। भाई लगा दिया। क्या हुआ रवि भूषण, बॉल की तरह मार खा के वापस आ गया? विजय कुमार सुन ले, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक लड़के को उठाया तो तू इतना घबरा गया? अपने घर पे फोन करके देख। ए, ए, मेरे घर पे फोन लगा। हाँ। जल्दी ये लीजिए भाई। हेलो, डर लग रहा है पापा, हम लोगों को यहाँ किडनैप करके रखा है पापा। मेरे बेटे को उठा लिया, मेरी लड़की को उठा लिया, मुझसे खेल रहा है वो, फोन लगा उसको। जी भाई, ये लीजिए भाई। हेलो, घबरा गया क्या रवि भूषण? मेरी फैमिली को छोड़ दे विजय कुमार। तेरी फैमिली को तो छोड़ दूंगा, पर तू फुटपाथ पे आ जाएगा, तेरी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, जितनी भी जायदाद है सब मैंने सीज कर दिए। विजय कुमार, मेरी फैमिली को उठाकर, मेरी प्रॉपर्टी को सीज करके, मुझे रास्ते पर खड़ा करके, मेरी 40 साल की मेहनत पे वाट लगा दी, अब मेरे हाथ से तू नहीं बच पाएगा। कहाँ है तू विजय कुमार? सामने आ, आ सामने। अरे ऐसे क्या देख रहा हूं, मारो इसको।
तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं।